छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम विधायक भुवनेश्वर बघेल के माध्यम से फूलोबाई नेताम राज्यसभा सांसद को ज्ञापन सौंपकर वार्षिक वेतन वृद्धि रोक हटाने की मांग वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक हटाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर बघेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष शंकर साहू के नेतृत्व में ब्लॉक सदस्यों ने फूलोबाई नेताम राज्यसभा सांसद के डोंगरगढ़ आगमन पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक भुवनेश्वर बघेल ने भी राज्यसभा सदस्य के फेडरेशन के सदस्यों के साथ अलग से चर्चा कराया। इस दौरान छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक डोंगरगढ़ प्रतिनिधि मंडल के फेडरेशन के ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल मौर्य, ब्लॉक संयोजक ओम प्रकाश साहू, सचिव चंद्रशेखर विजयवार, उपाध्यक्ष राजेंद्र देवांगन, अमृतदास साहू देवांगन, देवेंद्र खोबरागड़े, दशरथ मंडावी, कमलेश्वर सोनकर, मनोज मेश्राम, अमिताभ दुफारे और साथीगण उपस्थित थे। डीएनएक्स टीवी के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहायक फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से माननीय भुवनेश्वर बघेल जी विधायक डोंगरगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें जो कर्मचारियों की जो मूल वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होती 3% उनको मतलब जिसे रोका गया है तो उनको न रोका जाए, प्रदान किया जाए। इसी प्रकार केंद्र के कर्मचारी की तुलना में हम राज्य शासन के जो कर्मचारी हैं वो 9% मतलब महंगाई भत्ता पीछे चल रहे हैं। हम जो कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, चाहे कोई भी विभाग के हैं, शासन प्रशासन के साथ है। वर्तमान में कोरोना से जंग में हम लोग चेक पोस्ट से लेके एटीएम है, बाजार है, राशन दुकान है। जैसे आप लोग आप लोग का तो वेतन भी पहले से आप लोग स्वेच्छा से सरकार को दियो ना कोरोना के लिए। हाँ, और हम लोग शासन के साथ, बिल्कुल प्रशासन के साथ है। हम लोग एक दिन का वेतन स्वेच्छा से हम लोग पूरा दान दिए हैं कर्मचारी लोग, तो मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय जी माननीय